बेवरेजेस भी आपका कॉल है, ठीक है। मैंने देखा कि नंबर्स अच्छे आने के से पहले भी बड़ी मूव थी, और जीके पेपर, आंध्र पेपर और इससे अलावा दूसरे पेपर स्टॉक्स में मूव काफ़ी चली है, लेकिन क्या अब इनकी मूव पर पॉज लग सकता है या अभी भी कोई पेपर स्टॉक रडार पर आ रहा है संतोष? पेपर स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में अब एक रैली फिजल आउट हो रही है। जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, तो लेकिन ये 620 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन फिर भी जब तक 560 के ऊपर है, जो उसका 20-day मूविंग एवरेज है, व्यू बुलिश बना रहेगा। लेकिन वहीं पेपर स्टॉक्स में जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक पदमजी पेपर है, उसमें एक बहुत लंबे का 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रेकआउट आते दिख रहा है, तो स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक करेंटली 52 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 64 के इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आते हैं, नीचे 48 अब एक अच्छा बेस का काम करेगा। ब्रिटानिया के नतीजे आने वाले हैं संतोष, नंबर से ठीक पहले एक तो ब्रिटानिया का स्टॉक और नतीजों के अनुमान की भी अगर बात करें, पॉजिटिव नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस है, रॉ मटेरियल प्राइस या कमोडिटी प्राइस करेक्शन का एक इम्पैक्ट आता दिखेगा, कंपनी की आय मार्जिन में बढ़त के आसार है और मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया के स्टॉक को आप कैसे देख रहे हैं, एक बार टेक्निकल राय दीजिए, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इसका। ब्रिटेनिया कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छे से प्लेस है, उस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 3680 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करना चाहिए। अगर 3680 का लेवल होल्ड कर गया तो ब्रिटेनिया शायद हमको ऊपर में 3940 के लेवल दिखा सकता है। और अगर लेकिन इन केस 3680 का लेवल टूटता, रिजल्ट खराब आते हैं, तो फिर वीकनेस बढ़ सकती है। बट फॉर टाइमिंग एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है, तो एक बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3680। ठीक है, कुछ स्टॉक्स कल हमने डिस्कस किए थे जो MSCI में या MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं, नंबर्स भी वहाँ अच्छे आते हैं, उस स्टॉक की हम बात करें वो है वरुण बेवरेजेस। वहाँ पर आपको कल भी एक ब्रेकआउट दिखा, अच्छी खासी मूव वरुण बेवरेजेस में कल देखने को मिली थी, क्या आज यहाँ पर भी इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए? क्या बोलेंगे आप चिराग वरुण बेवरेजेस के चार्ट को देखकर? कल एक बड़ी मूव देखी थी, क्या आज भी कंटिन्यूड हो सकती है? वरुण बेवरेजेस का स्टॉक मीडियम टर्म बुलिश ट्रेंड में ही है। अगर देखेंगे तो हायर हाई कॉन्स्टेंटली बनाते जा रहा है, अभी भी लोअर हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री ये लेवल पे लेना चाहेगा तो थोड़ा स्टॉप लॉस व्यू है। स्टॉप लॉस करंट लेवल से करीब करीब 65-70 पॉइंट व्यू है, या अगर राउंड नंबर है तो 1100 का वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो मुझे इसमें एक्सटेंडेड वे में क्रिटिकल आ रहा है वो है 1360-1400 का लेवल। बट एक चीज किसी को भी ध्यान रखना चाहिए जो ये लेवल पे एंटर कर रहे हैं कि स्टॉक एकदम एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और वन वे रैली की है, इसमें फ्रॉमली लेवल ऑफ 200-118। ये वारंट बेवरेजेस भी आपका कॉल है, ठीक है।